subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एयर नॉलेज हब। कोरोना वायरस जिसने चाइना में तबाही मचा दी है और ये वायरस दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। चीन में कोरोना वायरस की कहर से मरने वालों की संख्या अब 563 हो गई है। बुधवार को इससे 73 लोगों की मौत की खबर है। अब तक 22 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पहले ही इसे इमरजेंसी घोषित कर चुका है। भारत में भी अब तक इसके 3 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आने के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। चीन से बाहर 22 देशों में कोरोना वायरस के कई मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इन देशों में थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और UAE है। आइए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके इन्फेक्शन से जुकाम से लेकर खांसी लेने में तकलीफ जैसी समस्या से हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके मुख्य लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने का कोई भी टीका नहीं बना है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और इंसानों को बीमार कर सकता है। ये RNA वायरस है, जिसका मतलब ये है कि यह एक शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है और उनका उपयोग खुद को फिर से बनाने में करता है। चीन के वुहान में फैल रहा ये कोरोना वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। आइए जानते हैं कैसे फैलता है ये वायरस। ये बीमारी सिर्फ खांसी और छींक के जरिए लोगों में फैल सकती है। इसका मतलब ये वायरस बेहद आसानी से किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये लार के जरिए निकट संपर्क या फिर बर्तन शेयर करने से भी फैल सकता है, क्योंकि ये फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है। इसलिए खांसते वक्त मुंह से निकलने वाली बूंदें भी सामने मौजूद व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकती है। इस वक्त कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। एंटीबायोटिक दवाएं वायरस से नहीं लड़ती हैं, इसलिए इसका उपयोग व्यर्थ है। हालांकि एंटीवायरल ड्रग्स काम आ सकते हैं, लेकिन नए वायरस को समझने और उसका समाधान निकालने में कई साल लग जाते हैं। अभी तक कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए कोई वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं है। इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक अभी काम कर ही रहे हैं। आइए जानते हैं इससे बचने के क्या उपाय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह में रुमाल या टिश्यू पेपर ढक कर रखें, जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण है उससे दूरी बनाकर रखें, अंडे और मांस का सेवन कम करें और जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।